तो दोस्तों ये पंडाल जो आप देख रहे हैं ये मोरीग्राम का पंडाल है, और हालांकि ये कलकत्ता में बहुत छोटा पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मेला स्टार्ट नहीं हुआ है। जब मेला स्टार्ट होगा, मेला तो ऐसे देखा जाए तो चालू ही हो गया है, लेकिन अभी प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम है। तो हम आपको ले चलेंगे दूसरे पंडाल में भी, और अभी ये तो छोटा मोटा हम सोचे कि आपको दिखाएं, दुर्गा जी का दर्शन कर लीजिए ताकि आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और देखिए ये कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा है यही इसका विशेष है, कला बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ऐसा प्रतीक हो रहा है कि बिल्कुल ये सीमेंट गिट्टी बालू ईंट से बना हुआ पंडाल है, हालांकि ये कपड़े का पंडाल है। और ये दुर्गा पूजा भले ही नवरात्रि में होता हो, लेकिन इसका शुरुआत देखा जाए तो 2 से 3 महीना पहले किया जाता है। जो बड़े बड़े पंडाल हैं उसका 3-3, 4-4 महीना पहले से चालू कर दिया जाता है पंडाल बनाने का काम। और ये जो पंडाल देख रहे हैं इसका भी लगभग 1.5 महीने से पहले काम स्टार्ट हो गया होगा ताकि अच्छा से बनाया जा सके। और पहले नवरात्र से ही यहाँ मूर्ति जो है कि रख दिया जाता है और पूजा पाठ चालू कर दिया जाता है, और इसीलिए ये कलकत्ता का दुर्गा पूजा बहुत बड़ा फेमस है। और यहाँ तो लगभग देखा जाए तो ऑल इंडिया से लोग आते ही हैं, विदेश से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, यहाँ कला देखने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये सजावट है, बनावट है, इसके बारे में अब जो कुछ भी कहा जाए वो कम ही है। हम आपको थोड़ा अंदर भी ले चलते हैं, देखिए ये अब मूर्ति, हालांकि मूर्ति विशेष बड़ा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो होता है अच्छा ही होता है। आप देखिए ये बगल में गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, दुर्गा जी हैं, मतलब माँ का जो 9 रूप है वो दर्शाया जाता है बहुत से पंडालों में। यहाँ पंडाल छोटा है तब फिर भी आप देख सकते हैं कि मूर्ति बड़ा ही है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी कलकत्ता अगर आते हैं तो दुर्गा पूजा में विशेष तौर पे आइए। जैसे आप देखेंगे कि आधा यूपी और बिहार का छठ पूजा है, महाराष्ट्र का गणपति बप्पा है, वैसे ही कलकत्ता का विशेष तौर पे पूजा है यह दुर्गा पूजा। इसमें आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि सरकार का, गवर्नमेंट का ये परमिशन रहता है कि आप रात भर बस चलाएंगे और ट्रेन चलेगी लोकल, रात भर पब्लिक यहाँ घूमती रहती है। आप भी आइए, कभी घूम के जाइए कलकत्ता में। और यही कहना था आपसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप पंडाल देखते रहिए और हम भी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और इससे भी अच्छा पंडाल दिखाएंगे। ये तो नॉर्मल पंडाल है, मैं जहाँ था यहाँ यहीं पंडाल लगा था तो मैं सोचा आपको दिखा दें। जय हिंद।